रहनो सर, रहनो, मैं बॉर्डर पे पहुंच गया हूँ सर। सर मुझे सामने दुश्मन के जवान नजर नहीं आ रहे सर, जवानियां नजर आ रही है सर। यस सर, सर सर दुश्मन नजर आ गया सर। सर आपने बताया था कि अगर दुश्मन कमजोर हो तो उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन ये तो बताया नहीं था अगर स्ट्रांग हो तो क्या करना चाहिए सर। ठीक है सर, ओके। रोहित जी आज मैं बताता हूँ कि वन मैन आर्मी क्यों कहते हैं मुझे। एक मिनट, माइक। इसलिए मैं खुद ही सेट कर लेता हूं सब कुछ। अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं, मेजर कुलदीप सिंह। सर मेजर, शक्ल से तो आप माइनर लग रहे हैं सर। अगर तुझे मैं शक्ल से माइनर लगाऊं तो अर्चना को सैल्यूट कर, वो तो शक्ल से ब्रिगेडियर लग रही है। लेकिन सर फिर ये जज बन के क्यों बैठी हुई है? रिटायर होने के बाद कुछ तो करेगी। सर आपने बॉर्डर फिल्म देखी नहीं है? जहाज में जैकी श्रॉफ की एंट्री थी। उसको भी काम मिल गया है, जादू के शो पे जज बन गया है। सर लेकिन आप लेट क्यों आए हैं? पहले तो मुझसे जहाज ही नहीं चल रहा था। कमाल है, अब आप जहाज भी नहीं चला पा रहे हैं। सर आप आए कैसे? दिखता नहीं है, जहाज को पैदल लेके आ रहा हूँ बाय रोड। सर आप महान आर्टिस्ट हो सर, अपने साथ साथ जहाज को भी रोड पे ले आए। तू जहाज की बेइज्जती कर रहा है। नहीं सर मैं आपकी कर रहा हूँ। फिर ठीक है, हम तो अपने जहाज सरकारी है। सर अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये दुश्मन के जवान कह रहे थे कि हम नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, लंच जयपुर में करेंगे और रात का डिनर दिल्ली में करेंगे। सर तुम्हारे यहाँ खाने के एक टाइम के लाले पड़े हुए और तुम हमारे देश में आकर तीन तीन बार खाना मांग रहे हो। सर ये तो खाने के बाद आइसक्रीम की डिमांड कर रहा था। छोड़ूंगा नहीं। सर मत छोड़ना इनको। अबे इनको नहीं, आइसक्रीम को। आइसक्रीम मम्मी, आइसक्रीम। गोलियां चलाते हो सालो। एक मिनट रुक जाओ, मुझे मेरी गोली मिल रही तो मिल गई। छठी साहब क्या है कि ना ये गोलियों के वास्ते मेरा सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, ये गोली खानी बड़ी जरूरी है। अभी मैं मेरी बंदूक है, बंदूक तो मेरी घर रह गई है। कोई बात नहीं, लेकिन बॉम्ब मैं हर वक्त अपने साथ रखता हूँ और वो भी आइटम बॉम्ब। आइटम अभी मारता हूँ। सुरवीन तू खुद जाती है, मैं उठा के मारूं। क्या हंस क्या रही है? यहां बैठ के लोगों के घर बर्बाद कर रही है, जाके देश बर्बाद कर। ओए ये दुश्मन के जवान बारी बारी खड़े क्यों हो रहे हैं? ये साले बंदूकें छोड़ के दूरबीन क्यों उठा ली इन्होंने? सुनिए जी, तुम यहां पर क्या लेने आई हो? आपके लिए खाना लेकर आई हूं जी। अपने हाथों से बनाया है? हाँ। गोली मार दो मुझे। चैटी साहब बॉर्डर के पास घर होने का यही पंगा होता है। मारो कमीनो, अब तो दूरबीन छोड़ के बंदूक उठाओ। अबे गोली क्यों नहीं चला रहे? उनका भी लंच टाइम चल रहा है जी। लंच नहीं चल रहा उनका, जो चल रहा मुझे पता है। आगे से घूंघट लेके आना यहाँ पे। ये लो आप भी खा लो परसों का साग। परसों का साग नहीं होता, सरसों का साग होता है। साग परसों बनाओ तो परसों का ही होता है। तो इससे अच्छा तो लाजो मुझे जहर खिला देती। मुझे पता था आप ऐसा कहोगे, इसलिए मैं इसमें जहर डाल के लाई हूँ। मजाक भी नहीं समझते, फिर कहते कि मैं स्टैंड अप आर्टिस्ट हूँ। ये लो आप खाओ मुर्गी की टांग। नीचे रख, रोही जी बैठे हैं, नॉन वेज नीचे रख। अच्छा मुर्गी की टांग पे भड़कते हैं और मुर्गी की टांग पे एंजॉय करते हैं। ये ले तू वेज का, बैंगन ले। तेरे बैंगन जो बनते हैं ना हैंड ग्रेनेड से कम नहीं होते। अबे ये तो सचमुच हैंड ग्रेनेड है। ये फूटा क्यों नहीं? तेरे पंच नहीं फूटे, बम कैसे फूटेगा? अब फूटा ना? ये मेरा वाला था। शेट्टी साहब
हमारे बम नहीं फूटते, इसका बैंगन भी फूट जाता है। तभी मैं सोचूं घर में बैंगन पक क्यों नहीं रहे थे। अबे तेरे चक्कर में मैं ग्रेनेड की जगह बैंगन यहाँ पे उठा लाया हूँ। शेट्टी साहब तभी मैं सोचूं मैं यहाँ से ग्रेनेड फेंक रहा हूँ, उधर दुश्मन चपातियां लेके एंजॉय कर रहा है। अबे जंग लग गई, तू जा। लड्डू बच गए, ये लो। और सुनो, कल मैं आलू के पराठे लेके आती हूँ। सुनो, मर मत जाना, आलू के पराठे कौन खाएगा, तुम्हारा बाप। बचाती हूँ। शेट्टी साहब अगर आलू के पराठे की जगह मूली के पराठे ले आती तो मैं इधर मुंह करके खा लेता और पीछे तीन चार जवान मर जाते। अब देखना जरा। विजय, ओ विजय, कहाँ मर गया तू? जंग में आए कहीं मरी ना गया। विजय, विजय। माँ, मैंने कितनी बार कहा मैं राजीव हूँ, विजय नहीं हूँ। तू विजय हो ही नहीं सकता बेटा, हर बार फिनाले में आकर हारने वाले आर्टिस्ट। ऐसा इस बार नहीं होगा माँ, मैं ये कलंक मिटा के रहूंगा। वो कैसे बेटा? मैं फाइनल में पहुंचूंगा ही नहीं। माँ, यहाँ जंग चल रही है, तुझे दिखाई नहीं देता? अभी इस उम्र में कहाँ दिखाई देता है बेटा। हेलो रोहित, लुकिंग हैंडसम टुडे। रोहित बेटा, तुझे वो दाढ़ी वाला रोहित दिखाई दे रहा है? मुझे तो क्लीन शेव वाला भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है बेटा। माँ, ये रोहित की फिल्म का ही पंच है। इसीलिए कोई नहीं हंसा। रोहित, लगता है वाकई सबने फिल्म देखी है, ऐसे ही थोड़ी ना हिट हो गई हो। बस मैं ही नहीं देख पाई बेटा। क्यों माँ? अभी तो बोला इस उम्र में कहाँ दिखाई देता है। माँ, दिखाई नहीं देता, गोलियों की आवाज सुनाई तो देती है। हे बेटा, गोलियों की आवाज में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। माँ, दुश्मन देश गोलियां चला रहा है। हम दुश्मन देश के साथ यहाँ शो चला रहे हैं बेटा, और ये गोलियां चला रहे हैं। माँ, तू चली जा, मुझे चैन से लड़ने दे, ठीक है? लड़ेगा कैसे बेटा, बंदूक तो घर पे ही भुलाया था, वही देने आई हूँ। अभी आ ही गई हूँ तो एक आध निशाना मैं भी मार लूँ बेटा। माँ, गन उल्टी पकड़ ली है। बेटा, जिस देश से हम जंग लड़ रहे हैं ना, वो पीठ पीछे ही वार करता है। वाह माँ वाह, रिटायर होने वाली उम्र में सटायर वाली बात। देख बेटा, मैंने जवानी में मेले में बहुत गुब्बारे फोड़े, देख मेरा निशान। अबे माँ, 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 अबे माँ, माँ, माँ। देखा बेटा, सबको मार दिया ना। वाह माँ वाह, अपने मार दिए माँ। बेटा, सबको बताने के लिए आदमी हो या पंच, हम अपना ही मारते बेटा। अर्चना, तो कैसे लगे ये मिलिट्री के माइनर मेजर? कैसे लगे? आई एम नॉट माइनरली, आई एम मेजरली ब्लोन बाय दिस एक्ट। इस एक्ट में इतने बढ़िया एक के बाद एक के बाद एक पंच था। सलोनी, आपने जो कैरेक्टराइजेशन किया है ये माँ का, उससे पहले इनकी बीवी का, बच्चा यू वर टू गुड टुडे, टू गुड। राजीव, योर कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, दिस एक्ट वेंट टू सुपर जुजू लेवल। I think it was superb. Saloni and Rajiv, both of you. Saloni, it was difficult कि आप तीन बार आप change करके आए, it's not easy, और याद रखना इतना सारा कुछ, plus timing maintain करना और energy maintain करना। अच्छे लिखे हुए act पे आप लोगों ने अच्छा performance देके उस पे चार चांद लगा दिए। तो चलते हैं scores की तरफ। अर्चना, perfect 10. ये
यूनिफॉर्म से हमेशा दूर रहना चाहिए. काला कोट, सफेद कोट और खाकी वर्दी. लेकिन अगर ये खाकी वर्दी पहनी हो दरोगा शमशेर सिंह ने, तो इससे कितना भी दूर रहो ये खुद ही गले पड़ जाता है. प्लीज वेलकम कपिल एज शमशेर सिंह एंड पार्वती एज वेरियस कैरेक्टर्स. मार सीधा, मार सीधा, मार बेड़ा गर्क तोर फटे मुंह तेरा. ये इंडियन फुटबॉल टीम इतनी गंदी है ना, वीडियो गेम में भी हार जाती है. शर्म नहीं आती इनको. शर्म से याद आया अपना सुरवीन. मैं कितनी बार कहा इधर अपनी ड्यूटी मत लगवाया करूं. इधर मैंने ड्यूटी देनी होती मेरा ध्यान भटक जाता यार. सुरिंदर पहचाना मुझे? पहचानोगे कैसे नहीं. अर्चना जी एक बार इसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था. मैंने ऐसी पहचान कराई ना फिर, उसके बाद में सारे सजिंदों का नाम इसने शमशेर रखा हुआ है. हेलो हेलो हेलो, गाड़ी रोको गाड़ी रोको. अरे ये गाड़ी नहीं साइकिल है. अच्छा अब तू मुझे बताएगी गाड़ी के साइकिल है. ये बता इसकी नंबर प्लेट किधर है. सर मुझे लगता है कि आप पुलिस में नए नए आए हैं, साइकिल वाले ना नंबर नहीं देते. अच्छा साइकिल वाले नंबर नहीं देते, तो जो देते उनसे कौन सा ले लेती तू है. हेडलाइट किधर है गाड़ी की. अरे साहब जब इतनी लाइट है तो साइकिल में लाइट लगाने की क्या जरूरत है. बड़ा अच्छा जोक याद करा दिया तूने. हैं अरे क्या कर रहे हैं, जब बाहर इतनी हवा है साइकिल में क्या जरूरत है. किधर से आ रही है. मैं घर से भाग के आ रही हूँ. खुद भाग के आ रही है जी. आ किधर से रही है तू. मैं दिल्ली से आ रही हूँ. दिल्ली से भागी है. ओए होए होए, इतना कहीं तो ओलंपिक में भागती तो इंडिया का गोल्ड मेडल ना जाता. अर्चना नंबर मत काटना, ये स्टायर था. अरे सर ये सब बातें छोड़िए, मैं वैसे इतनी परेशान हूँ, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं. क्या? हाँ गुंडे पड़े हैं. हाँ. गुंडों की माँ की ऐसी की तैसी. किधर है गुंडे. इधर इधर है. हाँ. तुम चिंता मत करो, मैं इधर छुप जाते हैं. इधर आ जा. अरे सर आप कहाँ जा रहे हैं, आपके पास तो बंदूक है. इसीलिए तो छुप रहा हूँ, कहीं बंदूक छीन ली तो. सर अगर आपकी बंदूक में गोलियां तो होंगी. इतनी महंगाई हमारे घर में, आलू नहीं है गोलियों की बात कर रही है. मैंने तो अपनी बंदूक में एक कान साफ करने वाली तिलियां डाल रखी है. देखो ये पकड़े से फिर दिखाओ. ओए होए 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 होए, मैं भी कहूँ, मैं जब इसे कहता हूँ कॉमेडी करो कॉमेडी करो, सुनती क्यों नहीं है. कान में तो डेढ़ डेढ़ किलो मैल भरी पड़ी. इधर सर क्या कर रहे हैं आप. एक सेकंड. पच्चीस रुपए निकालो. पच्चीस रुपए. हाँ और देखो पच्चीस रुपए छोटे देना, अगर पचास का नोट दे दी ना बड़ा वाला, तो बाकी के पच्चीस मैं हेड मसाज करके पूरे कर दूंगा. सर आप ये कैसी बातें करें, मैं इतनी परेशान हूँ, मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं. देखो गुंडों की ऐसी की तैसी, गुंडे पीछे पड़े हुए, मेरी बात सुनो. क्या इसमें? सर खोले से कुछ नहीं. सर सर ये नहीं खुल सकता. क्यों? सर वो आते वक्त ना इसकी चाबी गिर गई थी. अच्छा कहीं इसकी चाबी ये तो नहीं. सर आपके पास किसी आई इसकी चाबी. जिसने तुम्हें सूटकेस दिया उसने दी मुझे चाबी. तेरी ऐसी की तैसी, ये क्या है? फेस वॉश है. फेस वॉश. इससे क्या होता है? सर इसको फेस पे लगाते हैं ना, फेस गोरा हो जाता है. अच्छा पहले घर से भाग के मुंह काला कर लो फिर फेस गोरा करो. है ऐसी की तैसी, ये क्या लेके घूम रही आलू प्याज. शेट्टी साहब इस पे तो लाफ्टर दे दो, वेज है. और ये कुछ पैसे हैं, ये आप कुछ रखिए और मुझे जाने दीजिए. कुछ पैसे मैं नहीं रखूंगा, कुछ तुम रखो, बाकी मुझे दबाओ यहाँ से. निकलो यहाँ से, मेरा बच्चा कह रहा था सूट. ए साइकिल किधर लेके जा रही है. मैं घर काय पे जाऊंगा, ऑटो पे दबा जाओ यहाँ से. साइकिल तो मेरी है ना. तेरी साइकिल. नाम क्या तेरा? रूपा. कभी रूपा की साइकिल सुनी है? साइकिल होती है हीरो की, और हीरो एक्ट का मैं हूं. दबा जा साइकिल मेरी, दबा जा. रूपा की साइकिल सुनी. शेट्टी साहब मैं तो इतना खतरनाक इंस्पेक्टर हूं, एक बार मैंने रिचर्ड गिर को पकड़ लिया. रिचर्ड गिर वही हॉलीवुड एक्टर, शिल्पा शेट्टी की पप्पी ले गया था. मुझे बड़ा गुस्सा आया कि क्यों कोई अंग्रेज आके हमारी बहू बेटी की पप्पी ले, क्यों हमारे अपने लोग मर गए. मैंने रिचर्ड गेयर को पकड़ लिया. मैंने कहा इधर आओ, पप्पी क्यों ली थी. बोला पप्पी क्या होती है, मेरे को पप्पी की अंग्रेजी नहीं आती थी. मैंने कहा पप्पी मतलब ये. देख सुरेंद्र तेरी इमेज बड़ी अच्छी बनी है, गंदी हरते मत किया कर. हेलो हेलो इधर आओ, कम बजट की तुलसी रानी किधर से आ रही हो. अरे आप
आपको कैसे पता कि मैं सीरियल में काम करती हूँ? अब जब तू कॉमेडी सर्कस में कुछ नहीं करती, उधर तो कुछ ना कुछ करती होगी, है? जा किधर रही है? मैं घर जा रही हूँ। किसके? अपने और किसके? अपने। झूठ बोलती है, स्कर्ट के ऊपर से साड़ी पहनने वाली औरत है। तुम्हें कैसे पता कि मैं स्कर्ट पे साड़ी पहनती हूँ? मुझे तो ये भी पता है कि डबल वेयरिंग तक तो ठीक है, डबल मीनिंग बोलो तो रोहित भड़क जाता है। क्या ये वही रोहित शेट्टी जिसने गोल भाल बनाई है? तो तुम्हें क्या लगता है हमने बोमनी रानी को दाढ़ी मूछें लगा के बिठाया? सर प्लीज आप इनसे कहिए ना मुझे अपनी फिल्म में ले ले। तुम्हें? हाँ। अपनी फिल्म में ले ले? हाँ। ये खुद बाहर मुझे तुम्हें अपने एक्ट में लेने से मना कर रहे थे। सर देखिए मुझे जाने में देरी हो रही है, इतनी रात हो गई है, कोई रिक्शा भी नहीं मिलेगा। इफ यू डोंट माइंड आप मुझे छोड़ दें। मैं समझ गया मैडम, मैं आपको अपने घर छोड़ देता हूँ। आइए आइए। थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट माय गॉड। देखिए ऐसे मत कीजिए, मैं अपने घर ले जाऊंगा नहीं तो। क्या? नहीं मतलब आज नहीं लेके जा सकता, एक्चुअली आज शायद मेरी बीवी घर पे है। शायद मतलब? शायद मतलब मेरी बीवी रात को चाय बेचती है। क्या 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 मतलब? अगर मैं पुलिस वाला होके लोगों के कानों में से मैल निकाल सकता हूँ, वो चाय नहीं बेच सकती? तुम कानों में से मैल निकालते हो? अच्छा तो तुम भूल गई, तुम्हारी भी तो निकाली थी। वो मैं नहीं थी, वो पिछली वाली थी। तो पिछली वाली भी तो तू ही थी, पहले कौन सी सानिया मिर्जा आई थी? ड्रेस चेंज करके आई, करेक्टर तो वही कर रही तू है। चला आओ जरा बाइक स्टार्ट कर दो, बाइक बैठो। है वाओ कितनी खूबसूरत मोटरसाइकिल है, लेकिन ये चलती क्यों नहीं? आप पे गई मैडम जी। खूबसूरत तो आप ही बनी, आप चल रही हैं। चल गई। अभी भी मोटरसाइकिल चली तो हम भी नहीं चलिए। बैठो, आओ बैठो, कस के बैठो, एंजॉय करो थोड़ा। देखो मैडम एक बात बताओ, रहती किधर हो? यारी रोड। कमाल है, कॉमेडी सर्कस हम कर रहे हैं, यारी रोड पे तुम आ गई हो। मैडम मैडम जी सुन लो यार, आपस में लगे रहते हो। तो देखिए मैडम कितनी दूर निकला है हम, कितनी सुनसान सड़क है। नहीं गाड़ी रोक। है गाड़ी रोक। मुझे पता था सुनसान सड़क देख के तेरा मूड खराब हो जाएगा। साले इधर आ, उतर नीचे उतर। वो तू ही है ना जिसने मेरी साइकिल लूटी थी और मेरे पैसे छीने थे? तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ। मैडम मैंने कोई पैसे आपसे ज्यादा नहीं लिए, 25 रुपए ही लेते, मार्केट में रेट पता कर लो, कान साफ करके इतने पैसे होते हैं। मैंने कोई ज्यादा नहीं लिए, एक ही बार मैंने सिर्फ सुरेंद्र से 1000 रुपए लिया था मैल निकालने का। वो एक्चुअली मैंने कानों में से मैल नहीं निकाली थी, मैल में से कान निकाले थे इसके। बस बंद कर, मेरे पैसे निकाल जाओ, तूने मुझसे लिए थे ये वाले। ए, हट हट। बदतमीज लड़की मोटरसाइकिल लेके भागी। मेरे गुरुजी ने कहा जब सामने से लाफ्टर ना आए खुद ही हंसो। इतनी बेवकूफ लड़की मोटरसाइकिल लेके भागी, साइकिल इधर ही छोड़ गई है। मेरा क्या है, मैं साइकिल में थोड़ी सी मोटर लगवा लूंगा। पर शेट्टी साहब एक बात की प्रॉब्लम है, मोटर तो मैं लगवा लूंगा लेकिन नंबर प्लेट नहीं है इसकी। आप ऐसा करो नंबर आप दे दो, अर्चना जी बिस्कुट खा के प्लेट आप दे दो, मेरा काम हो जाएगा। इस दरोगा को अरेस्ट करके घर ही ले जाइए आप। I really want to take you home, Kapil. Really. लेकिन जैसा कि मैंने सुना है यहाँ पर सेट पर कुछ लड़कियाँ हैं जो बहुत एतराज़ करेंगी अगर मैं आपको, इफ़ आई टेक यू होम। अब यू कीप गेसिंग हु दे आर। ओके वंडरफुल परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी तरह लिखा गया, लेकिन मुझे लगता है जितनी बेहतरीन तरीके से लिखा गया है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपने परफॉर्म किया है कपिल। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। पार्वती तुम्हारे पर इतने सारे पंचेस थे, एक से बेहतर एक था। वेरी गुड स्पोर्टिंग स्पिरिट, वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ ऑफ यू, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। रोहित कपिल यू आर नॉट अ गुड एक्टर, यू आर अ ग्रेट एक्टर। गोविंदा एक एक्टर हैं जिनको मैं मानता हूँ, एक महमूद साहब थे, आप उस लेवल के एक्टर हैं। जब महमूद साहब थे और जो हमने कहानियाँ सुनी है कि अच्छे से अच्छा स्टार डरता था उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि वो इतने पावरफुल एक्टर थे, कब क्या बोल देंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो आपने हमारे बारे में बोल दिया। मैडम जी अच्छा।
सुन लो यार, आपस में लग रहते हो। ये समझ और ये कला बहुत कम लोगों में होती है, और बहुत गुणी इंसान हो आप, बहुत गुणी कलाकार हो आप। चलिए फैबुलस कमेंट्स के बाद स्कोर्स की बारी। फॉर कपिल, कपिल एंड कपिल एंड द राइटिंग टीम। Zuzu, 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 and a perfect 10. Oh! Thank you so much, ma'am. आज 10 आपके लिए कम है वैसे। कपिल, smiling Zuzu for you. And obviously पता है स्कोर क्या है ना? Acting, अभी acting मत करो। Perfect mark for a perfect performance. जोरदार तालियां कपिल और पार्वती के लिए। अरे अरे, लेकिन फायरमैन आएगा कहाँ से? वो तो ठहरा एक नंबर का निकम्मा। और उसकी काम चोरी का दुखड़ा रोने आ रही है उसकी पत्नी। तो प्लीज वेलकम परेश एज फायर ब्रिगेड एम्प्लॉय एंड भारती एज हिज वाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हेलो, हेलो, ये परेश कमीना तुम्हारा ही पति है? अरे अब्बा, ये इतनी छोटी सी गाली इन्हें कौन निकाल रहा है? क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ, इसे फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में किसने रखा है? कल मेरे घर में आया था आग बुझाने के लिए, 5 मिनट पानी डाला उसने आग में और फिर कहता है मेरा लंच ब्रेक हो गया। अब ऐसे साले कमीने की वजह से मेरा पूरा घर जल गया, उसकी तोप। एक मिनट, देखिए देखिए भाई साहब, आपने जो जो गाली देनी है ना, प्लीज मुझे लिखवा दीजिए, मुझे याद नहीं होगी, मैं कैसे दूंगी उन्हें? आ, लिखो, उसके तो बाप की भाई की बड़े 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 बाप। अच्छा अच्छा, बाप भाई की, ओके। कमीना कुत्ता मैं खुद से लगा लूंगी। यस। और कुछ 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 ची। हाय रब्बा, हाय मैं मर गई, एक बार फिर निकालो। कुछ 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 ची। गाली नहीं सुनी, एकदम नहीं है। आपने कहाँ से सुनी? अर्चना के मुंह से। परेश इसे सुन के बहुत खुश होंगे। चलो भैया, रखती हूँ मैं। अच्छा, इतनी इंट्रोडक्शन काफी थी मेरे पति की। अर्चना जी, मैं पक गई हूँ अपने पति से। जब से ये फायर ब्रिगेड में भर्ती हुआ ना, आधा शहर जल चुका है। अगर 2012 में पूरी दुनिया तबाह हो गई ना, तो इसका जिम्मेवार सिर्फ एक इंसान होगा, परेश। सुबह सुबह मुझे मेरे जन्मदिन वाले दिन गालियां सुनवा दी, आने दो आज इसे। ए परेश, क्या हुआ? अरे शर्म करो, घर में तो अपने कपड़े पहन लिया करो। नहीं नहीं डार्लिंग, हमें इसी तरह तैयार रहना पड़ता है, पता नहीं कब कहां से फोन आ जाए आग बुझाने के लिए। जब से ये भर्ती हुआ ना फायर ब्रिगेड में, इसने मोहल्ले में किसी का चूल्हा नहीं जलने दिया, जहां आग देखता पानी डाल देता है। देखो, आई एम वेटिंग फॉर अ राइट ब्रेक यार, अब शहर में ढंग की आग ही नहीं लग रही है तो मैं क्या करूं? हेलो, क्या क्या कह रहे हैं आप? आपको मेरी कसम, अगर आपने बुझाई तो मैं 5 मिनट में इनको भेजती हूँ। परेश, शहर में बहुत बड़ी आग लगी है, जल्दी जाओ और बुझाओ। अरे भगवान, मेरी जुबान से निकला नहीं और आग लग भी गई। अरे मनहूस, तू मुंह से थर्ड वॉर निकले तो वो भी लग जाए। अब जल्दी जा, कहीं आग कोई बुझा ना दे, फटाफट निकल। जाता। सुन ली, आशीर्वाद दे। अब हो गया ना, अब जल्दी निकलो। अच्छा एक काम करता हूँ, जाते जाते बच्चों को टिफिन भी देता जाता हूँ। आज संडे है, बच्चे सो रहे हैं। आज संडे है? हाँ। फिर तो आज तुम्हारा बर्थडे है। डार्लिंग, हम घर पे बैठ के मोमबत्तियां बुझाएंगे ना, कहाँ शहर में आग बुझाने भेज रही हो? हम घर पे ही एंजॉय करते हैं ना। हाँ चल, हो गया ना, अब जाओ। जब देखो काम से भागता रहता है, काम चोर कहीं का डरपोक। इस बार 15 अगस्त को अगर ब्रेवरी अवार्ड लेके नहीं दिखा ना, तो मेरा नाम भी परेश नहीं। अरे जाओ, नया नाम सोच के रखना। पिछले 15 साल से यही हो रहा है, हर 15 अगस्त में अपना नाम बदल लेता है। बच्चों की इतनी इंसल्ट होती है ना स्कूल में, कि हर साल क्लास के साथ साथ बाप का नाम भी बदल जाता है। क्या है, अगर ये आज आग बुझा के ना आए ना रोहित जी, तो सच कह रही हूँ, मैं पति चेंज कर लूंगी। देखो देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, डरने की कोई बात नहीं है, फायर ब्रिगेड आ चुका है, अब बचाओ बचाओ भी कोई बोलेगा या वो भी मैं ही बोलूं? बचाओ बचाओ, आग लगी है।
बाप रे, ये तो सच मान बैठी कि मैं इसे बचाऊंगा। एक मिनट पहले शुभ घड़ी का मुहूर्त तो कर लो। अरे जल्दी बचाओ मुझे। हाँ हाँ हाँ, बचाता हूँ। क्या कर रहे हो? भगवान, मैच बॉक्स तो भूल गया। याद आया, थैंक यू। बचाओ। अरे चल। अरे तू आग बुझाने आया कि बिल्डिंग का मुहूर्त करने आया है? आग बुझाने ही आया हूँ, पहले पूजा तो कर लेने दे शांति से। नारियल नहीं फूटा। अरे कमीने, ये आग नहीं बुझेगी। तू क्या नारियल पानी से आग बुझाने आया है? नहीं नहीं, बीएनसी के पानी से ही बुझाऊंगा। अच्छा एक काम करो, अब घर में जितने भी नाले खोल दो। ठीक है, खोल दिए। पानी आ रहा है ना, आग अपने आप बुझ जाएगी। अरे पानी नहीं आ रहा, सिर्फ स्टीम आ रही है। स्टीम? हाय रब्बा, मैं तो आज सुबह नहाई भी नहीं, और नहाए भी ना तो मुर्दा भी नहीं जलाते, मैं कैसे जल जाऊं? बचाओ। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, स्टीम आ रही है ना। स्टीम बाथ ले लो। छोटू तू ऊपर आ, तेरे साथ ही लेती हूँ स्टीम बाथ। अब ऊपर आके बचा मुझे, आग बढ़ती जा रही है। हाँ, कुछ तो करूँ, कैसे आग बुझाऊं? तुम्हारे घर में रस्सी है? रस्सी? रस्सी है, रस्सी भी है घर में। क्या करते, क्या फेंको इसे? फेंकू? ये लो। अरे रस्सी इस तरह से नहीं फेंकते, एक तरफ से पकड़ के रखना चाहिए था। सॉरी, माफ कर दो। कोई बात नहीं। साड़ी है? साड़ी? साड़ी हाँ है। फेंको। क्या साड़ी पहन के ऊपर आओगे? अरे नहीं, तू साड़ी फेंक। ये लो। अब साड़ी को तो रस्सी की तरफ फेंक। ये लो। फाश, बीवी की बर्थडे गिफ्ट हो गई। तू जल्दी से मुझे ऊपर आके बचा, नहीं तो पंजाबी सूट में ईंट लपेट के मारूंगी। एक काम करो, तुम कूद जाओ, मैं तुम्हें कैच कर लूंगा। तू तो मुझे कैच कर लेगा, बाद में लोग तुझे स्क्रैच करके उठाएंगे। तू बालकनी तक आ, मैं किसी भी तरह ऊपर आता हूँ। ठीक है, बचाओ 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 बचाओ। ये क्या कर रही थी तू? अरे वेरिएशन दे रही थी। हाँ? वरना अर्चना कहेगी एट मोनोटोनस हो रहा था। देखा अर्चना आपने, देखा, भारती अभी आग में फंसी हुई है फिर भी आपके बारे में सोच रही है। नंबर्स देते वक्त जरा ध्यान रखना। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। पाइप ना टूटे, मेरी फेवरेट है। अरे क्या तेरी फेवरेट है, यहाँ मेरी जान पे बनी और तुझे पाइप की पड़ी है। अच्छा जल्दी आओ। अरे बाप रे, ये पाइप से इतनी बदबू क्यों आ रही है? अरे वो संडास की पाइप है। हाथ दे। हाथ धो कराओ पहले। अबे कहाँ जाओ हाथ धोने के लिए? अच्छा सॉरी, कैसे हैं आप? अरे क्या कैसे हैं आप, लड्डू लेके आ। आइए, वेरी गुड। ये कोई बात नहीं, हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ? अरे आग, आग, मैं फंस गया। अरे तू नीचे आ गई, मैं यहाँ फंस गया। आग। अरे रुको, बचाती हूँ। अरे नारियल तो फोड़ लूँ। आइए आइए भाई साहब, आइए आइए। साला बीवी का बर्थडे मना रहा था, मैं उधर जल जल के तंदूरी चिकन बन रही थी। बचाओ बचाओ बचाओ, प्लीज बचाओ। एक मिनट, बचाओ बचाओ इतना चिल्ला रहे हो, बुझाने के लिए कुछ लाए हो? हाँ हाँ, टैंकर लाए हो। पानी की टैंकर नाके पे खड़ी है। कौन सा नाका? अरे राशन की दुकान के बाजू में। सच? हेलो शिल्पा, हाँ नेहा, नीति, प्रीति, बरखा को लेके सबको आ जाओ, उनको बोलो दो दो बाल्टियां लेके आ जाए, पानी का टैंकर आ गया है। अरे बेकार औरतों, क्या कर रही हो? आग बुझाने के बहाने बुलाते हो, टैंकर से पानी चोरी कर लेते हो। क्या करे, तीन दिन से बीएमसी का पानी नहीं आ रहा, कोई टैंकर वाला नहीं आ रहा, अब पानी के लिए तो किसी को तो बुलाना था ना। एक मिनट एक मिनट, ये क्या है? तुम क्या बातें कर करके मेरा टाइम वेस्ट करी जा रहे हो? उधर शिल्पा ने सारा पानी ले लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं मर गया, बचाओ। सुरवीरा, खत्म हो गया ना। रोहित, इस धुआंधार परफॉर्मेंस ने हंसी की आग लगाई या नहीं? वाकई में आप लोगों ने आग लगा दी स्टेज पे। आप लोगों ने जो एनर्जी मेंटेन किया है दोनों ने,
fabulous it was. Aur stage pe ye pura create karna, you know, it's not easy. It was a very nice act. It was a very enjoyable act. Matlab main audience ho gaya tha. Judge who judgments ab bhul gaya when I was watching ki ab kya hoga, ab kya hoga. It was fabulous. Archana, it's I think a very big effort on the part of the team. Itne acche props ke saath, itne creatively usko conceive karke execute karna. और आप दोनों की परफॉर्मेंस वॉज रियली फायरी एंड इट हैड ऑल द एनर्जी दैट रोहित वॉज टॉकिंग अबाउट एंड ऑल्सो आप दोनों ने जिस तरह से किया जिस अंदाज से और जिस खुलेपन के साथ किया दैट ब्रॉट द मजा इनटू दिस सो रोहित एक्सपेक्टिंग सम फायरी स्कोर्स फॉर द होल टीम दिस इज फॉर द होल टीम परफेक्ट 10 I disagree with Rohit. मतलब ये मेरे marks जो हैं don't mind but they're That's a perfect 10. जोरदार तालियां परेश और भारती के लिए with a perfect 20. Thank you. चिट्ठी आती है तो अपनों का हालचाल बताती है. लेकिन जब चिट्ठी देने आया हो डाकिया सुदेश तो हाल बिगड़ जाते हैं चाल बदल जाती है प्लीज वेलकम सुदेश एज डाकिया एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स अंत हो जाइए आपको खुशी होगी कि आपकी कोई चिट्ठी नहीं आई शेट्टी साहब कहते कोई भी शुभ काम करना हो तो बड़े बुजुर्गों का नाम लेना चाहिए आप पहले डर जाती हो सुरेंद्र की चिट्ठी आई है और आपको जान के खुशी होगी कि उसके साथ चेक भी लगा हुआ है 15 रुपए का नहीं नहीं इसने किसी को दिया था बाउंस हो गया या नहीं आप ना ज्यादा हंसो आपकी भी चिट्ठी है ये लिखा है कि बचपन में हम इकट्ठे रहे तुमने शादी करके अच्छा नहीं किया हमारा कितना प्यार था इकट्ठे खेले इकट्ठे खाया खैर तुम्हारी शादी हो गई है तुम चली गई हो सुखी रहो तुम्हारा सगा भाई बातू बोला नहीं क्रिएटिव टीम ने कैसे नाम निकाल लिया मेरे को खुद नहीं पता ये क्या कर रही हो तुम्हारी चिट्ठी भी आई है लिखा है इंगड़ चिंगड़ पिंगड़िया पड़ किचड़ की कड़के एक चाह पड़ की पोकड़ा पड़ किचड़ की कड़के एक समझ आई आपको मैं समझाता हूँ मैंने लिखा है कि आई लव यू मैं तुमसे प्यार करता हूँ शादी करना चाहता हूँ आप सोच रहे हो मैंने कैसे पढ़ ली भी जिसने लिखी है वो पढ़ नहीं सकता यार ये किसकी है कालिया साहब ये कालिया साहब कौन है यार ओह गॉड वेरी गुड ओह कालिया साहब हाँ नीचे आपकी चिट्ठी आई है आता हूँ आजो आजो ले लो क्या ये ले लो आपकी चिट्ठी आई है अरे बंदा हैंडसम हो स्मार्ट हो तो लड़कियों की चिट्ठियां तो आती रहती हैं लाओ तो पढ़ के सुना दो डाउट मुझे पहले था कि आप अनपढ़ हो आज क्लियर हो गया लिखा है कि आपको जान के खुशी होगी कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ आपकी मशूक डोली एयर होस्टेस क्या? ये कैसे हो गया आपसे हुआ है तो मुझे क्या पूछ रहे हो ये नहीं हो सकता क्यों बीमार हो वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है वेरी गुड बहुत अच्छे सर जी बहुत अच्छा किया भारती नहीं तो मेरा 5 रुपए का नुकसान हो जाना था क्या मतलब क्योंकि मैंने फोटो स्टेट करके रख ली है ना अगर कल को डोली का दिल पिघल जाए तो कोई ना कोई तो बंदा चाहिए ना आपको ब्लैकमेल करने के लिए क्या बोला कुतरिया सर जी इतने अमीर हो गालियां कृष्णा वालियां निकाल रहे हो हेलो हेलो लड़ी फूल हाँ ये ठीक ये भी तो मैं खाता रहता हूँ रात के 2 बजे फोन पे इससे क्या मजाक है ये तुम इसको रात को फोन करती हो नहीं 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 ये नहीं करती मैं करता हूँ इसकी तो आउट गोइंग कटी हुई है और मैंने कभी अच्छी बात नहीं की देख लो बकवास बंद करो तुमने जो फोटो स्टेट निकाला है वो मुझे दे दो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा 1 लाख की तो मैं रोज साइकिल पे हवा भराता हूँ 15 लाख रुपया लूंगा 15 लाख 5 लाख रुपया 5 लाख तो मेरे ऊपर कर्जा 5 दिन हवा भरा चुको साइकिल वाले को पैसे देने कौन 10 लाख रुपया से 1 रुपया ऊपर नहीं देखो काले साहब ना आपकी ना मेरी 1 करोड़ ओके साले मैं तुझे 1 रुपया भी ना दूं
नो प्रॉब्लम, डॉली फिर आपको ब्लैकमेल करेगी फोटोस्टेट। डॉली क्या मुझे ब्लैकमेल करेगी, अब एक गधे में खुद ही डॉली बन के आता हूँ। हेलो सर, हेलो सर। फिड़े मुझ तेरा करेक्टर ऐसे समय पे छोड़ दे, मेरा नुकसान करा रही है। अभी पैसे दे के तू करेक्टर छोड़ दे। चलो खैर, मुझे तो अपना काम करना है, मैं डाकिया हूँ। यार एक चिट्ठी और आई थी, दो तीन चिट्ठियां हैं सारी। हरबंस लाल, ये हरबंस लाल कौन है यार? हम क्या, हम ही हैं अब हरबंस लाल। तो फिर मुंह क्यों ढका हुआ है? आज हमारा ब्याह है ना, वो चेहरा है मुझे चेहरा। ओ सर जी, गौर से चेक करो, हो सकता है आपका चौथा हो। बिल्कुल सही, चौथा ही ब्याह है। सर जी आपकी चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी है? देखो जी, इस उम्र में तो यमराज की आती, पता नहीं किसकी है। लिखा है, आज मैं नहीं आ सकती, आई एम सॉरी। हमने जो रंग रलियां मनाई जिंदगी में, मैं कभी भूल नहीं सकती। हाँ भैया, ये तो अमृतसर वाली भाभी की है, बिल्लो भाभी की। ओ मैं थप्पड़ मारा। और बीच में लोगों की फैमिली को क्यों ला रहे हैं यार? है? मैं असली नाम बताऊं? हाँ पढ़ो। पार्वती की। अरे पार्वती तो हमारी दुल्हन की मिया, तुझे तो ढला ढला जाके चली गई। सर जी कोई बात नहीं, जैसे आपकी शक्ल है ना, तो मोहल्ले की भेड़ बकरियां भी भाग जाए। अरे आगे पढ़ो, क्या लिखा है पार्वती ने? लिखा है, मेरी नजर में सबसे ज्यादा टैलेंटेड तुम हो। हाँ? ऐसा मैं समझती थी जब तक मैंने कपिल को नहीं देखा था। अरे तेरी माँ का शाकी नाता। आगे लिखा है, अब मैं कपिल की पार्टनर बनने जा रही हूँ, मुझे गलत ना समझना, उसको कोई अच्छी पार्टनर मिल गई तो वो जीत जाएगा, अब मैं उसकी पार्टनर हूँ, अब तुम ही जीतोगे। जीत गया, जीत गया। अरे मियाँ एक बात कहूँ, ये पार्वती आर्टिस्ट भले कैसी भी हो, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मियाँ मैं जीत गया, मियाँ जीत गया। कहाँ जा रहे हो मियाँ? अब तो अकेला जीत ले फिर। अरे मियाँ इधर आओ, कैसे जीतेंगे? मेरे पास स्टैंड अप नहीं है, स्टैंड अप तो तुम्हें ही करना है मियाँ। हम चलते हैं, लगे रहो। परमात्मा की कृपा होती है तो आप लोगों का प्यार मिलता है, और कोई बात नहीं है। लेकिन मैं थक चुका हूँ यार इस लाइन से। ओए ये क्या बन के आ गया तू यार? ये कौन है? ओ कृष्णा, कबूतर हूँ मैं, लोगों को चिट्ठियां देता हूँ। किस किस को देख चुका आज तक तू? मैंने प्यार किया नहीं देखी? सलमान की चिट्ठी भाग्यश्री को दी थी मैंने। इतना मनहूस कबूतर है ये, है? भाग्यश्री को पता नहीं कैसी चिट्ठियां दी, बेचारी घर पे बैठी हुई है। ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे दादा परदादा ने सोनी महिवाल और हीर रांझे को चिट्ठियां दी थी। वो तेरे से भी ज्यादा मनहूस था, है? मिलने से पहले बेचारे मर गए सारे आशिक। अब तू यहाँ किसकी चिट्ठी लेके आया? तेरी चिट्ठी, वो भी मनहूस होगी। क्या लिखा उसमें? तेरे दादाजी का देहांत हो गया। क्या बकवास है, तू हंस क्यों रहा है? तेरे दादाजी मर गए? ओ यार बड़ी खुशी की बात है, अरबोपति बंदा मेरे लिए तो कुछ ना कुछ छोड़ ही गया होगा ना। यस। वो तेरे लिए 10 लाख रुपया छोड़ गए हैं। अब ये खुश होने वाली बात है, रो क्यों रहा है तू? ओ यार कमीना, अरबोपति बंदा मेरे लिए सिर्फ 10 लाख। अरे दुख भरी खबर है यार, एक और तेरी बीवी के लिए 1 करोड़ रुपए छोड़ गया है। अबे खुश क्यों हो रहा है? तेरे लिए 10 लाख, तेरी बीवी के लिए 1 करोड़। ओ मैं उसको तलाक देना चाहता हूँ, वो 1 करोड़ रुपया मांगती है। अब उसको 1 करोड़ रुपया मिल गया, मैं फारिग हो गया। अरे एक और खुशखबरी, वो तेरे लिए 10 करोड़ रुपए की फैक्ट्री तेरे नाम कर गए। अब रोने वाली क्या बात है? अब
पिछले 30 सालों से वो घाटे पे फैक्ट्री चल रही है और 40 करोड़ का कर्जा बैंक पे, मैं तो लुट गया, मेरी साइकिल भी बिक जाएगी, माफ कर देना मुझे। अब क्या करें? करना क्या है? अब वही नौकरी, कॉमेडी सर्कस, दोनों चिट्ठियां बांटेंगे फिर। नहीं, हौसला रखो, मेरे पास एक गाना तैयार है चिट्ठी वाला। चलिए आइए देखते हैं आपके लिए कमेंट्स की क्या चिट्ठी आई है। अर्चना, यू नो इस ये जो दायरा है कि एक को यूनिफॉर्म पहननी ही है, आई थिंक अगेन इट्स अ यूनिक कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस, फाइन टचेस, वेरी इंजॉयबल एक्ट। इट वॉज नॉट अगेन आपके लेवल का ब्रिलियंट नहीं, बट आई एंजॉय इट, इट इज माइंड ब्लोइंग। रोहित, ओवरऑल आप दोनों का परफॉर्मेंस, आप दोनों की एनर्जी, वेलकम बैक जो पिछले एपिसोड में मुझे थोड़ा कम नजर आई, इसमें दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। इवन जब आप अकेले थे, सुदेश आपने स्टेज को बहुत अच्छी तरह से संभाला, एंड कृष्णा योर परफॉर्मेंस एंड योर हार्ड वर्क अगेन वो दिखाई दे रहा था ऑन स्टेज, वेरी गुड। चलिए स्कोर्स की बारी। इसको ध्यान में रखते हुए कि हमारा खुद का कॉमेडी सर्कस का और हमारी इन चारों जोड़ियों का लेवल इतना हाई है कि अब हम लोग स्ट्रिक्ट होने की जगह वी शुड बी जेनरस बिकॉज यू गाइज हैव कम दिस फार। सो आई वॉन्ट क्लैप फॉर ऑल द जोड़ीज, all of you guys, and my marks. That's a perfect 10. Oh. 9 points. हर जोड़ी ने यूनिफॉर्म पहन ली, अपनी अपनी ड्यूटी भी निभा दी, लेकिन अब कोई एक जोड़ी होने वाली है डिसमिस, क्योंकि अब वक्त है एलिमिनेशन का। और आज के एलिमिनेशन में कल के स्कोर्स भी जुड़ेंगे, तो कल के और आज के स्कोर्स जोड़कर आज की हमारी दो बॉटम जोड़ियां हैं। एक मिनट सर, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक ऑल फोर ऑफ यू एंड कॉमेडी सर्कस। आई थिंक बहुत सौभाग्य से मुझे ये हासिल हुआ है, ये जो जिसके नीचे आप बोलते हैं मैं चुंबक लगा रखा है। और आज के एपिसोड को देखकर और पिछले एपिसोड, कई कितने एपिसोड जिनमें आप लोगों ने काम किया है, आई फील दैट एंड आई थिंक रोहित फील द सेम थिंग। आई फील एंड द रीज़न बिहाइंड इट के आज जो भी परफॉर्मेंस हुआ, एक आध मार्क ऊपर नीचे के स्कोर काउंटिंग करके आप जजमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि ये लोग ट्रेनीज नहीं है और हर बार एक आध मार्क्स के लिए एलिमिनेशन करना, आई डोंट थिंक इट्स राइट। एलिमिनेशन हमारा फॉर्मेट है, लेकिन प्लीज आई वुड से आज भी एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज इनसे बेहतर हमको नहीं मिल सकते। इन्हें हम और जनता बार 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 देखना चाहते हैं। अगले एपिसोड में सोचा जाएगा क्या करना है, बट नॉट नाउ प्लीज। तो जजेस का हुक्म सराखों पर, आज कोई एलिमिनेशन नहीं होगा गाइस, कांग्रेचुलेशन। आज हमारे माननीय जजेस का हुक्म था, इसलिए कोई जोड़ी एलिमिनेट नहीं हुई। इन जोड़ियों ने जजेस का दिल जीत लिया और आपका भी, और ये कारनामा ये सुपरस्टार्स ऐसे ही करते रहेंगे, आपको ऐसे ही हंसाते रहेंगे, ओनली ऑन वोडाफोन प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स।